प्रिय भक्तों, जय श्री तेजाजी महाराज की। प्रिय भक्तों, हम लोगों ने पिछले भाग में देखा कि तेजाजी महाराज अपने ससुराल पनेर आते हैं, तो उसी दरमियान जब वो शाम को विश्राम कर रहे होते हैं तो गांव से एक लाचा नाम की गुजरी आती है और वो कहती है कि मीणा मेरी गाय चुरा कर ले गए, कोई छुड़ाने वाला है। तो तेजाजी महाराज एक वीर थे, योद्धा थे, उनसे रहा नहीं गया। वो कहने लगे कि आपकी गाय मैं छुड़ा के लाऊंगा, आपकी गायों को मैं आज़ादी दिलवाऊंगा। और तेजाजी महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर गायों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो तेजाजी महाराज रास्ते में देखते हैं कि एक सांप अग्नि में जल रहा है। तेजाजी महाराज को दया आ गई और उन्होंने सांप को बचा लिया। सांप ने बचाते ही कहा कि मैं तो अपनी मुक्ति कर रहा था, आपने मुझे क्यों बचा लिया, इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ, मैं गायों को बचाने का वचन दे चुका हूँ, तो इसलिए सर्प देवता सांप देवता मुझे आप छोड़ दें, आपका वचन मैं अवश्य याद रखूँगा, जैसे ही मैं गायों को वापस कर दूँगा आप मुझे अवश्य डस लें। तो प्रिय दर्शकों, हुआ यूँ कि मीणों से लड़ते लड़ते तेजाजी महाराज घायल हो जाते हैं, गायें वापस कर देते हैं, अपना वचन पूरा करने के लिए सांप के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हे नाग देवता मुझे आप डसिए। तो सर्प देवता कहते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं डस सकता, क्योंकि आप तो वचन का पालन करने वाले हो, आप जैसे पुरुष होने के थोड़ी हैं कि मैं आपको डस लूं। तेजाजी महाराज कहते हैं नहीं, मैंने जो एक बार वचन दे दिया है उसका मैं पालन करता ही हूँ, उसको निभाता ही हूँ। तो सांप देवता कहने लगे कि आपके शरीर पर तो एक ऐसी कोई जगह खाली नहीं है कि जहां मैं डसूं। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि मेरी जीभ खाली है सर्प देवता, आप यहां डसिए। तो प्रिय भक्तों, सांप ने जीभ पर डस लिया और तेजाजी महाराज घायल अवस्था में घोड़ी से नीचे पड़ जाते हैं। तभी आगे क्या होता है आइए देखते हैं। जय वीर तेजाजी महाराज की। एक दंत गणपत सुंडाला सिवरु शारदा मातु रिद्धि सिद्धि दाता गजानंद मैया सुर सत ज्ञान दिरा दिन कर नारी गाव दिन दिन तेजो धोलियो जाट जग में वंश उजालियों गाऊं जिनरी बात। बोला सू डसियो कालो नाग हो, सासुरे साता बोला सू डसियो कालो नाग हो, तड़पे ते जारो तन जैर सू कोई, तड़पे ते जारो तन जैर सू
तो था पी हाथ सू पीठा कसो जी कर तो चौकी नीरणी पातो ठंडो नी पातो ठंडो नी सगुणारी साची भली लीलन थारी धून जद सा सरिये भीर होयो फोरा होया सुगुण फोरा होया सुगुण लीलन जा खर नाल थू कई जे सांची बात दूध ले जायो ना मातरो ना ही लजाई जात ना ही लजाई जात इतरो कर जे काम मारो सुन जे लीलन मारी ए इतरो कर जे काम मारो सुन जे लीलन मारी ए जाजे तू सरपट मारे गाँव में कोई जाजे झरनाली अरे गाँव में अरे बैठा हो सी काका बाबा गाँवरी हताया ए जाए बता जे सारी बातड़ी लीलन जाए बता जे सारी बातड़ी काका बाबा ने बता जे तेजो चंडग्यो बारा काका बाबा ने बता जे तेजो चंडग्यो बारा ए चंडग्यो लाथारी गाया वास्ते कोई चढ़ग्यो लाछारी गाया वास्ते अरे झगड़ा माही दूजो तेजो गाया घेरी मीणा सू गाया पनेरा पाछी लावियो कोई गाया पनेरा पाछी लावियो कुंजी त्यों कुण हारो ए दीजे लीलन सांख मारी कुंजी त्यों कुण हारो ए आने लागेला सूरज चांदरी कोई आने लागेला सूरज चांदरी अरे कुण तो जीत्यो काल्या धोल्या माही वतना बांधियो दोना में किनरो वंश कूजड़ो कोई दोना में किनरो वंश कूजड़ो की जे राजल बहनड़ ने तो जाय लीलन मारी ए कई जे राजल बहनड़ ने तो जाय लीलन मारी ए पूनम राखीरो मोती टूटियो भाई पूनम राखीरो मोती टूटियो भाव जवाड़ी बात मन ही मन में रहगी लीलन ए फलका खाना पे मल रे हातरा कोई फलका खाना पे मल रे हातरा राजल रोकती बारणो भावज कोड उछाव ले तम्हारा बाधावणा गज मो त्यारो थार गज मो त्यारो भर थार जुग में रे तो जीव तो ले जा तो पे मलनार पग लगा तो भावज रे पुरसा तो मैं थार पुरसा तो मैं थार अरे रहगी बाता मन ही मन में सगड़ी लीलन मारी ए रहगी बाता मन ही मन में सगड़ी लीलन मारी है
लिखिया वे धाता इतरा ले अखड़ा महारा लिखिया वे धाता इतरा ले अखड़ा धीरज भंगा जे जायर मारी जरणी तू तो मात ने कई जे माता ने चरणा धो कथो लीलन कई जे माता ने चरणा धो